नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 70 Pro 5G versus iQOO Z9 Turbo 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 70 Pro 5G में 6.42 इंच जबकि Z9 Turbo में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 70 Pro 5G में 2.97 इंच जबकि Z9 Turbo में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 70 Pro 5G में 195 ग्राम जबकि Z9 Turbo में 194.9 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 70 Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि Z9 Turbo में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 70 Pro 5G में 1080x2400px FHD+ और Z9 Turbo में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70 Pro 5G में 87.36% जबकि Z9 Turbo में 89.34% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 70 Pro 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Z9 Turbo में 453 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 70 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Z9 Turbo की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 70 Pro 5G में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Z9 Turbo की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 70 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Z9 Turbo में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 70 Pro 5G में Mali-G68MC4 जबकि Z9 Turbo में Adreno 735 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 70 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7050 और Z9 Turbo में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 70 Pro 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि Z9 Turbo में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB, 16GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 70 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Z9 Turbo में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो 70 Pro 5G में नहीं है जबकि Z9 Turbo में है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 70 Pro 5G में 5000 mAh जबकि Z9 Turbo में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 70 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि Z9 Turbo में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
70 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,621 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z9 Turbo की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,430 रुपीस, 16GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,945 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 70 Pro 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें IQOO Z9 Turbo 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9 Turbo आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा वीवो Y200 Pro 5G है, तीसरा Realme GT 65G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें पोको F6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।